और रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब इस रोज़े के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात जहन में रखें कि इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत जो हज़रत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत के हूर कसूर, जन्नत के महल्लात, जन्नत की आली नस नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे, और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत कि उस नेमत के मिलने पे बाकी सारी नेमतों को भूल जाएंगे, वो ये है कि रब अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और उनको अपना दीदार अता फरमा देगा। तो ये सबसे बड़ी दौलत जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी, ये रोज़े के सिले में नसीब होगी। ये रोज़े का वो समर है, ये रोज़े का वो फल है जो अल्लाह अहले ईमान को क़यामत के दिन अता फरमाएगा। आजजी बे ही का माना है कि इसकी मैं जजा दूंगा। एक रिवायत में आता है कि जो आमाल हैं वो सात तरह के हैं। दो आमाल ऐसे हैं कि जो वाजिब करते हैं, दो आमाल ऐसे हैं कि जिनकी जजा उनकी मिसल है, और एक अमल ऐसा है कि जिसकी जजा दस गुना है, और एक अमल ऐसा है कि जिसकी जजा 700 गुना है, और एक अमल ऐसा है जिसकी जजा बेहिसाब है। फरमाया कि वो दो अमल जो वाजिब करते हैं वो ये कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह की इबादत की और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया तो वो जन्नत को ये आमाल वाजिब कर देते हैं, यानी उसको जन्नत का मिलना लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है उसके लिए। और दूसरा वो शख्स जिसने अपने रब के हुक्मों को तोड़ा, यहाँ तक कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया, उसके ऊपर जहन्नम वाजिब है। और दो वो अमल जिनकी जजाओं की मिसल मिलेगी, एक वो गुना जो उसने किया तो उसकी सजा उसकी मिसल दी जाएगी, और दूसरी वो नेकी जो उसने की नहीं है लेकिन उसका अज़्म किया था तो उसको भी एक नेकी का सवाब दे दिया जाए। एक अमल वो है जिसके बदले के अंदर 10 गुना उसको अजर दिया जाता है, और फरमाया इससे उसके नेक आमाल मुराद हैं। और फरमाया कि जो उसका छठा अमल है वो ऐसा है जिसके बदले के अंदर उसको 700 गुना अजर दिया जाता है, और वो राह खुदा में उसका सदका करना है। और फरमाया एक अमल ऐसा है जिसकी जजा का दुनिया पर कोई हिसाब ही नहीं है, और वो बंदे का अल्लाह के हुजूर अपने रोज़े के साथ पेश होना है। तो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि जिसकी जजा का कोई हिसाब ही नहीं है, तो ये अल्लाह के इल्म में है कि वो अपने बंदे को कितनी उसकी जजा और कितना उसका सिला अता फरमा देता है। तो ये अजर है नेकी का। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रोज़ा ढाल है और जहन्नम से बचने का एक मजबूत कला है। रोज़े के मिन जुमला समरात में से एक समरा मर्तबा एहसान का हासिल होना है। मर्तबा एहसान क्या है, इस पे हदीसे जिब्रील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसको इमाम बुखारी ने और दीगर आइमाए अहादीस ने जिक्र किया है। मस्जिद नबवी का माहौल था, मदीने शरीफ की फ़जाएँ थी, सहाबा हुजूर की सोहबत में जलवा फराज थे, नूर बट रहा था, उजाले उतर रहे थे, सहाबा के मन रोशनी से माला माल थे। कि हज़रत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स आया जिसकी घनी स्याह दाढ़ी थी और उसका सफ़ेद लिबास था, हम में से उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अपने वजूद की तरोताजगी की वजह से वो मुसाफिर भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मुसाफिर होता तो
तो आसार सफर उसके बदन से जाहिर होते, लगता था जिस तरह यही किसी गली से निकल के आया है। लेकिन चूंकि वो वहां का रहने वाला नहीं था, हम में से उसे कोई पहचानता भी नहीं था। अब वो हुजूर की खिदमत में आया, फअस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने घुटनों को जोड़कर हुजूर के घुटनों के साथ मिलाकर बैठ गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि हुजूर मुझे खबर दीजिए कि ईमान क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, पिछली किताबों पे ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, बताया हुजूर ने। तो उसने कहा, सदकता, आपने सच कहा। कहते हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही तायीद कर देता है। फिर कहने लगा, इस्लाम क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात अदा करे। अराकीन इस्लाम उसको बयान किए। कहने लगा, आपने सच कहा। कहते हमें फिर ताज्जुब हुआ कि खुद ही एक बात कह रहा है और खुद ही फिर उसकी तस्दीक कर रहा है। कहते फिर वो पूछता है, मल एहसान, हुजूर एहसान क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, अन ताबुद रब्बका का अन्नका तराहु। एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि गोया तू उसे देख रहा है। और अगर ये कैफियत तुझे नसीब नहीं होती तो कम अज कम यह कैफियत नसीब हो जाए कि वो तुझे देख रहा। तो वो कहने लगा, हां आपने सच कहा। फिर उसके बाद उसने कयामत की कुछ निशानियों के बारे में सवाल किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब मरहमत फरमाए। जब वो शख्स उठ के चला गया तो हुजूर ने फरमाया, उमर जानते थे ये शख्स कौन है? कहा, अल्लाह व रसूलह आलम, अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है। फरमाया, हाजा जिब्रील, ये जिब्रील अमीन था और तुम्हें तुम्हारा सिखाने के लिए आया था। जिब्रील ने जब उम्मत को दीन सिखाया तो सबसे पहले यह बात सिखाई कि हुजूर की चौखट में बैठने का अदब क्या है। दोनों घुटने बिछा कर वो इस तरह हुजूर की चौखट में अदब के साथ बैठा और उसके बाद हुजूर से उसने सवालात किए। तो फरमाया, ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो जिब्रील अमीन ने जो दीन सिखाया, जो चीजें पूछी, वो तीन चीजें थी, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। तो एहसान तीसरी चीज है जिसको हम अपनी जुबान के अंदर तसव्वुफ कहते हैं, जिसको हम तरीकत का नाम देते हैं। तो इसको दर्जा एहसान या मर्तबा एहसान कहा जाता है और ये दीन की रूह है। जो लोग तरीकत का इनकार करते हैं वो दीन की रूह का इनकार करते हैं।